बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पर बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें। आप मेरा चैनल सरमद विलाग देख रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल समद है। तो आज मेरे घर आ रहे हैं मेहमान मुजफ्फरगढ़ से। कौन? वो है मेरी खाला जहाँ छोटे सात कज़न हैं। तो आज मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया है। तो मैंने कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है तो वो जा रहा हूँ मैं ख़रीदने। तो चलते हैं अभी वहीं पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और घंटे के निशान को भी दबा दें क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं। पहले तो मेरे घर मेहमान आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ ठहरे हुए हैं। ये है मुजम्मिल खान और साथ में ठहरे हुए हैं मोहम्मद मुजहर। तो अभी ये अभी आए हैं मेरे घर और इनके लिए स्पेशली मैंने देसी मुर्गा बनवाया है और साथ में फिश है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो क्योंकि अभी जानवर ये आप देख सकते हैं अबू बांध रहे हैं तो इनके साथ थोड़ा सा बहुत काम है वो मैं करवा लेता हूँ। तो फिर जो बातें होंगी वो इस काम करने के बाद आप लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है मुजम्मिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि खाने में क्या क्या बना हुआ है। अभी दस्तरखान लग रहा है तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मेहमानों के लिए क्या बना हुआ है। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे खालू जी और ये कजन है, यही हमारे मेहमान है। और ये खाना अब लग चुका है, सारे रेडी हुए बैठे हैं। तो जो मेन्यू है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या। तो आप ये देख सकते हैं, ये देसी मुर्गी का वाइट कोरमा है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो और जो जो चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये है फिश, इसमें भी फिश है। और ये है रोटियां। तो हम करते हैं खाना स्टार्ट, सारे बेताब हुए बैठे हैं। तो आज जो हमारे गांव का माहौल है वो कुछ बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है क्योंकि बादल छाए हुए हैं आसमानों पर और हवा वगैरह चल रही है। तो जो सर्दी का यहाँ पे मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो रात को मैं वीडियो एंड इसलिए नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने दिन में ही आज मैंने क्या सोचा तो आज एंड कर लेते हैं। तो मेरे पास एक और वीडियो थी जो कि मैंने अपलोड कल अपने चैनल पे कर दी थी। तो मेरे पास अभी तक मेहमान ठहरे हुए हैं क्योंकि मैंने उन्हें खुद नहीं जाने दिया, वो आए थे मेरे घर तकरीबन 6 महीने बाद। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ये कि आप मेरे पास 2 दिन रुक जाएँ। तो उन्हें अपने पास 2 दिन के लिए यहाँ पे रुकवाया है। तो हम आज करते हैं वीडियो का एंड। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू और ताज़ा वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।